नमस्कार, राजधानी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। जी हां, राजधानी लाइव में वो खबरें जो सीधा आपसे सरोकार रखती हैं, वो खबरें जो दिन भर में सुर्खियों में रहती हैं। और सबसे पहले बात होगी हरियाणा पंजाब की। जी हां, हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। सत्र का दूसरा दिन भी हंगामेदार रहने की आशंका है। विपक्षी पार्टी कांग्रेस के विधायक जहां पर जमकर केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में निंदा प्रस्ताव सदन में लाए जाने की मांग उठाते नजर आए हैं। तो आपको बता दें कि सरकार को भी महंगाई और रोजगार के मुद्दों पर भी घिरने की तैयारी है। तो दूसरे दिन की अगर बात की जाए मानसून सत्र की, तो हंगामेदार रहने के आसार हैं। के दूसरा दिन और आज भी हंगामेदार रहने की आशंका है। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन आज है और विपक्ष ने पूरी तैयारी करके रखी है। दूसरा दिन सदन में हंगामे के आसार भी नजर आ रहे हैं। और आपको ये बता दें कि हंगामा होने के चलते सरकार ने भी हालांकि कमर कस ली है। विपक्ष के सवालों के जवाब देने के लिए, हंगामा के दरमियान अपनी बातों को आगे बढ़ाने के लिए कृषि कानूनों को लेकर हालांकि हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। कृषि कानूनों को लेकर विपक्ष हंगामा कर सकता है। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन और दूसरे दिन सीधे तौर पर हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। पंजाब संपादक जगतार सिंह भुल्लर इस वक्त तमाम अपडेट के साथ मौजूद हैं। जगतार जी, आज हरियाणा मानसून सत्र के दूसरे दिन के हंगामे के आसार हैं, क्योंकि कृषि कानून का जो मसला है वो भी उठ सकता है और भी कई मुद्दों पर आज विपक्ष जो है सीधे तौर पर सरकार को घेरेगा। निश्चित तौर पे देखिए, अगर हम कल की बात करें तो कल भी काफी जो विधानसभा सत्र है काफी हंगामेदार रहा। विपक्ष और सत्ता विपक्ष के बीच काफी तीखी नोकझोंक भी हुई है और काफी गर्मा गर्मी भी हुई है, चाहे उसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हो या पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा हो, उनके बीच काफी कृषि बिलों को लेकर काफी तीखी बहस भी हुई है। और क्योंकि उनका मानना सरकार का कि ये बिल बढ़िया है और इस पर कोई बहस करना नहीं बनता, ना ही इसे इसे रिजेक्ट किया जा सकता। यहाँ तक कि वहां के जो स्पीकर है ज्ञान चंद गुप्ता, उन्होंने तो सीधा ही विपक्ष को, खास करके कांग्रेस पार्टी को बोल दिया कि अगर आपको इतना बिल लेके तो आपकी पंजाब में मेजोरिटी है, वहां चले जाओ। तो ऐसी बातें हुई थी। और क्योंकि कृषि दोनों राज्यों की पहचान है, चाहे पंजाब हो चाहे हरियाणा हो, दोनों ही राज्य कृषि पे बहुत निर्भर करते हैं। और वहां का विपक्ष जो हरियाणा वो भी महसूस करता है कि अगर कृषि खत्म होगी तो हरियाणा के पास भी कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा जो निर्भर है वो खेती पे लोग करते हैं। और कल इसी मसले को लेकर बहस हुई और आज भी, क्योंकि जो विपक्ष है वो इस पे लेके आना चाहते थे कि इसको रिजेक्ट किया जाए और एक प्रस्ताव लेके आना चाहते थे, लेकिन विधानसभा का मानना है कि आपको 15 दिन पहले नोटिस देना चाहिए था। लेकिन कल सबसे इस मसले पे बहस हुई है तो निश्चित तौर पे आज भी कृषि को लेकर काफी बहस होगी, क्योंकि वहां के लोग महसूस करते हैं कि जो बिल पास किए गए सेंट्रल सरकार की तरफ से वो बहुत ही खतरनाक है। लेकिन क्योंकि वहां हरियाणा में बीजेपी की सरकार है तो निश्चित तौर पे जो हरियाणा की बीजेपी सरकार वो तो जो सेंट्रल सरकार के साथ ही उनका जो स्टैंड है वो स्पष्ट है। लेकिन वहां अगर इंडियन नेशनल लोकदल की बात करें या कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कल उन्होंने हरियाणा सरकार से जवाब मांगा था, तो आज भी इसी मसले पे बहस होने जरूर होगी। और दूसरी बात, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन अगर बाकी मुद्दों की बात करें तो वो भी हरियाणा के लिए काफी महत्वपूर्ण, लेकिन अगर हम कृषि की बात करें तो आज फिर जो विपक्ष है, चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से डॉक्टर अभय चौटाला हो या फिर कांग्रेस पार्टी की तरफ से भूपेंद्र हुड्डा हो, किरण चौधरी हो, तो वो काफी इस मसले पे सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, कल जिस तरह की स्थिति रही, सीधे तौर पर कांग्रेस के जो विधायक थे वो बेल में पहुंचे और उन्होंने शून्यकाल से ही हंगामा शुरू कर दिया था और स्थिति ऐसी देखने को मिली, क्योंकि सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो था कृषि कानूनों को लेकर। विपक्ष जहां पर लामबंद होता नजर आ रहा है सदन के अंदर और सड़क पर भी, उसके अलावा बाकी अन्य मुद्दों की बात की जाए तो बाकी अन्य मुद्दे लगता नहीं कि छूटते जा रहे हैं।
बिल्कुल देखिए, क्योंकि ये ठीक है कि हर स्टेट के लिए मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वहां रोजगार का मसला हो, चाहे कानून व्यवस्था का मसला हो, लेकिन इन मसलों से सबसे ज्यादा जो मसला वो एक दूसरा बन चुका, वो कृषि कानून बन गया, लॉ एंड ऑर्डर वो पीछे रह चुके हैं, क्योंकि कृषि के साथ ही हरियाणा जुड़ता है और कृषि के साथ ही लोगों को रोजगार के साधन है, कृषि के साथ ही किसान और जो खेत मजदूर उसकी आपस में एक बहुत अच्छी कह सकते हैं कि रिश्ते हैं। और लेकिन क्योंकि हरियाणा सरकार वहां बीजेपी की सरकार, तो कहीं भी बीजेपी की सरकार ये नहीं मानेगी कि बिल अच्छे या बुरे हैं, लेकिन उनका तो ये कि अच्छे हैं, वो कल वो मोर्चे लेके आ रहे थे दो सत्ता पक्ष है, तो ये किसानों के लिए एक बहुत अच्छा कानून है, ये किसानों के लिए उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए बहुत अच्छा कानून है, किसानों की इससे आमदन दुगनी तुगनी होगी। लेकिन दूसरी तरफ भूपिंदर सिंह हुड्डा का मानना था कि आप अच्छा कह रहे हो, हम हत्या करने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा, वो कानून इतने ज्यादा है कि वो खुद ही उसको फांसी पे रास्ते पे लेके जाएगा, क्योंकि ये ना MSP चली जाएगी और जो प्राइवेट खेती करेंगे वो मालिक बन जाएंगे और जिसकी जमीन है जो किसान है वो मजदूर बन जाएगा। तो ऐसी काफी तीखी जो हुई थी और काफी बहस भी हुई थी, तो ये बाकी मुद्दे भी ठीक है, वो सरकार की जिम्मेवारी बनती, लेकिन अगर आपके पास जीने और के इन कानूनों के बीच सबसे बड़ा जो मुद्दा उठाया गया विपक्ष के द्वारा, जो नेता विपक्ष है भूपेंद्र हुड्डा, उन्होंने कहा कि इन तमाम सारी चीजों के बीच एक चौथा कानून लेकर आया, ये MSP को ठीक तरीके से MSP की गारंटी दी जाए, सरकार से उन्होंने ये मांग की है। बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, ये तो पहली बात है, जो कृषि वो एक स्टेट सब्जेक्ट था, मतलब कि स्टेट के पास अधिकार है, लेकिन धीरे धीरे जो सरकार वो काफी उन्होंने अमेंडमेंट किया, जिसके साथ जो राज्यों के जो फेडरल ढांचे की हम बात करें वो कह सकते हैं कि खत्म होने पे पहुंच चुकी है, फेडरल ढांचे पे लगातार उसको खत्म किया जा रहा है, तहस नहस किया जा रहा है। और देखिए, पंजाब ने सेंट्रल सरकार के बिल रिजेक्ट किया, राजस्थान भी लेके आ रहे, छत्तीसगढ़ ने भी कर दिया, तो तमाम कई ऐसे राज्य जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी हो सकती है, लेकिन जो गैर वाजपेयी सरकार उनकी कोई मजबूरी नहीं, वो अपने राज्यों की जनता के साथ, किसानों के साथ है। तो इसलिए कल भूपिंदर हुड्डा जो नेता विपक्ष है उन्होंने यही कहा था कि अगर ठीक है तीन बिल आपके अच्छे हैं, तो फिर एक चौथा बिल लेके आओ ना, कि वो MSP खत्म नहीं होगी, अगर सरकार की नीयत में कोई खोट नहीं है, सरकार की नीयत अच्छी है, तो सरकार को, सेंटर सरकार को चौथा बिल लाने में क्या दिक्कत है, सेंटर को चौथा बिल पेश कर देना चाहिए, पास कर देना चाहिए, ऑर्डिनेंस लेके आओ। पहले भी आप तो कोरोना काल में जब जरूरत नहीं तो तीन ऑर्डिनेंस पास किए, उसके बाद आपने पार्लियामेंट में बिल पास कर दिया, हालांकि राज्यसभा में आपके पास मेजोरिटी नहीं थी, इसके बावजूद आपने वहां धक्के से बिल पास किए। तो अगर आपकी नीयत साफ है, आपकी नीयत लगता है कि जो हम किसानों की भलाई के लिए काम करें, अभी पिछले 7 साल से कोई किसानों की भलाई के लिए कोई काम नहीं हुआ, तो फिर जो लोगों की डिमांड है, जो विपक्ष की डिमांड है, किसानों की डिमांड है, आप चौथा बिल लेके आओ ना, कि जो MSP है वो पक्के तौर पे एक कानून बन जाएगा। अभी तो स्टैच्यूटरी बॉडी है, एक नीति है कि MSP दी जाएगी, लेकिन सवाल है कि सेंटर पूल में पंजाब और हरियाणा 70% धान और गेहूं, ऐसे में JJP तो किसानों की पार्टी कही जाती है जगतार जी, और विपक्ष का जिस तरीके से रुख था, ऐसे में सहयोगी दल है JJP, उसकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिल रही है, वो भी लगातार कानूनों का सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें भी धरातल की स्थिति समझ नहीं आ रही, या सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए चुप्पी साधी है। बिल्कुल देखिए, सबसे बड़े अगर हम दो स्टेटों की बात करें तो पंजाब में जो किसानी करते वो ज्यादा जाट भाईचारा, और अगर हम हरियाणा की बात करें तो वहां जो किसानी करते वो जाट भाईचारा, जिनके पास खेती है। तो जो अगर हम बात करें कि इनेलो की बात करें, जहां इनेलो से जो नई पार्टी बनी है दुष्यंत चौटाला की JJP, उनका भी जो वोट बैंक है वो पूरे का पूरा किसान है, जाट है, तो वो दुष्यंत चौटाला के लिए भी एक बहुत ज्यादा संकट बना हुआ। हालांकि उन्होंने बोला कि जब MSP नहीं मिलेगी तो फिर हम फैसला लेंगे,
लेकिन फिलहाल क्योंकि सभी को पता है कि एक दो साल एमएसपी मिल जाएगी, उसके बाद एमएसपी नहीं मिलेगी और फिर किसान है वो धान और गेहूं की फसल कहाँ खरीदेगा, स्टेट के पास अधिकार नहीं है। अगर हम पंजाब की बात, आज भी कुछ ऐसी स्थिति बन सकती है, आज भी हंगामे की भेंट चढ़ सकती है सदन की कार्यवाही, क्योंकि सदन के अंदर और सदन के बाहर विपक्ष ने पूरा मोर्चा संभाला हुआ है कि अंदर भी प्रदर्शन होगा, वॉकआउट करेंगे, नहीं मानी जाएगी मांग, तो फिर बाहर भी लगातार विरोध जाहिर किया जाएगा। ये तो है, ये तो एक सदन की कार्रवाई का हिस्सा है कि अगर आप सरकार आपकी बात नहीं सुनती तो फिर आपको बाइकट करना पड़ता, वॉकआउट करना पड़ता, नारेबाजी करनी पड़ती सदन के अंदर भी, सदन के बाहर भी। लेकिन अगर बात करें कि हरियाणा को, अगर हरियाणा ने एमएसपी खुद देनी हो तो कम से कम उनको 40,000 करोड़ रुपया चाहिए, तो इतने तो स्टेट के पास पैसे नहीं है। इसलिए जो लोगों की डिमांड है, किसानों की जो शक है, वो जो शिकवे है वो जायज है कि आप एमएसपी डिक्लेयर कर दो, 3 बिल के अलावा आप 4th बिल लेके आओ, तो फिर जो स्थिति है वो स्पष्ट हो जाएगी। बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर आज भी हंगामे के आसार हैं और हंगामे की भेंट चढ़ सकती है सदन की कार्यवाही। हालांकि देखना होगा कि कई मुद्दे हैं, जहरीली शराब का मुद्दा हो या फिर मेडिकल की फीस बढ़ोतरी का मसला हो या फिर कृषि कानूनों को लेकर हो, विपक्ष लगातार हंगामा करता हुआ नजर आ रहा है और सरकार जवाब देने से बचती नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया जगतार जी आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे, बात छत्तीसगढ़ की होगी। छत्तीसगढ़ में भी केंद्रीय कानूनों का विरोध हो रहा है। आपको बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ आखिरकार किसानों का गुस्सा फूट पड़ा है। 30 से अधिक किसान संगठनों ने प्रदेश भर में राष्ट्रीय और राजमार्गों को जाकर चक्का जाम किया है। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह भी है कि केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के खिलाफ भी आंदोलन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों से एक एक धान का दाना खरीदने का वादा किया था जो अब तक पूरा नहीं हो पाया। कर्ज माफी का लाभ भी किसानों को नहीं मिल सका है। राज्य सरकार ने सिर्फ 2 महीने ही धान को खरीदने का प्रावधान बनाया है, जिसे लेकर किसान चिंतित है और उनकी सबसे बड़ी परेशानी सामने आ रही है। देश के सबसे बड़े पर्व यानी कि दिवाली को लेकर, त्यौहार को लेकर किसान चिंतित है, क्योंकि अगर सरकारें दिसंबर माह में धान खरीदेंगी तो उनके ऊपर कर्ज का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इधर किसान पिछले कर्ज की देनदारी तो पूरी नहीं कर पाया है। प्रशासन ने किसानों द्वारा नेशनल हाईवे को बाधित करने पर उचित कार्रवाई की भी बात कह दी है। प्रदेश भर में करीब 30 से अधिक स्थानों पर प्रदर्शन किया जा रहा है। इसको लेकर भारी सुरक्षा बल यानी कि पुलिस फोर्स भी तैनात कर दी गई है, इसके भी बंदोबस्त किए गए हैं। किसानों ने जगदलपुर, धमतरी, रायपुर, राजनंदगांव, दुर्ग के साथ ही विलासपुर और सरायपाली, महासमुंद, अंबिकापुर, भाटापारा, बलौदा बाजार जैसे प्रमुख मार्गों पर जाकर किसानों ने चक्का जाम किया। और ये तस्वीरें सीधे तौर पर छत्तीसगढ़ का किसान, तकरीबन 30 ऐसे संगठन किसानों के जो लगातार अपने हक की आवाज़ उठा रहे हैं और यहाँ कृषि कानूनों के साथ साथ राज्य सरकार को भी घेरने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि भूपेश बघेल ने सरकार में आने से पहले तमाम सारे वादे किए थे किसानों से। एक एक दाना धान का खरीदने का वादा किया था, साथ ही किसानों को कर्ज माफी का भी वादा किया था, लेकिन दोनों ही स्थितियां अलग हैं और ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ भी विरोध जाहिर हो रहा है। केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ सीधे तौर पर किसानों ने मोर्चा खोल दिया है। किसान संगठन सड़क पर हैं, चक्का जाम कर दिया गया। छत्तीसगढ़ में किसानों का हल्ला बोल देखने को मिला, हालांकि भारी पुलिस बल जो है तैनात किया गया सरकार के द्वारा। लेकिन सवाल फिर वही कि आखिरकार राज्य सरकार जब किसानों की इतनी ही हितैषी है तो क्यों एक एक दाना धान का खरीदने का जो वादा है वो पूरा नहीं हो रहा है, या फिर किसान कर्ज माफी का जो वादा किया था वो पूरा नहीं हो पाया है। किसानों का कहना है कि कुछ किसानों का जरूर कर्ज माफ हुआ था, लेकिन संपूर्ण तरीके से किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ है। ऐसे में किसान आंदोलन कर रहा है, ऊपर से कृषि कानूनों को लेकर भी लगातार विरोध किया जा रहा है। केंद्रीय कृषि कानूनों को लेकर किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। ये महिलाओं को आप देख सकते हैं कतार में, जो कि सीधे तौर पर हाईवे पर पहुंचते हुए छत्तीसगढ़ किसान संघ, छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ, ये तमाम ऐसे संगठन हैं जो एकजुट होकर अब आवाज़ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें आपको ये भी बता दें कि केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार के खिलाफ भी विरोध जाहिर हो रहा है। राज्य सरकार से ये कहा जा रहा है कि एक एक दाना धान का खरीदने का वादा किया था जो पूरा नहीं हो पाया है। किसान कर्ज माफी की बात की जाए तो वो भी वादा पूरा नहीं हो पाया, ऐसे में किसान आत्महत्या भी करने लगा है। अभनपुर की बात की जाए तो अभनपुर में 10 दिन के अंदर किसानों ने सुसाइड की, 2 किसानों ने मौत को गले लगाया। इसके अलावा आपको ये बता दें कि जब से सरकार सत्ता में आई है तब से आत्महत्या की किसानों की खबरें लगातार बढ़ रही हैं। रायपुर लिए चलेंगे, जरीन सिद्दीकी हमारे सहयोगी तमाम अपडेट के साथ मौजूद हैं। जरीन, केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ जो है
आंदोलन हो रहा है, किसान जो है लगातार लामबंद है, ऐसे में राज्य सरकार को भी जगाने का काम किया है। राज्य सरकार को वो वादा याद दिलाया जा रहा है किसानों के द्वारा कि एक एक दाना धान का खरीदने का वादा किया था, और दूसरा एक और वादा कि सभी किसानों का कर्ज माफ का वादा किया था। ये सब सारे वादे कहीं ना कहीं हवा हवाई साबित हो रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने, एक एक दाना किसानों का हम खरीदेंगे। किसान हमारे लिए सबसे आगे है। कई लुभावने नारे दिए गए थे किसानों को लेकर, किसान आत्महत्या के मामले भी उठाए गए थे, लेकिन तब सत्ता पे नहीं थे। सत्ता पाने के लिए सारी कवायदे की गई थी। अब सत्ता में है तो अब किसानों के दुख दर्द सिर्फ बोनस बांटने से ही दूर नहीं होंगे। धान खरीदी को लेकर जो तारीखें निर्धारित की जाती है, तब धान पूरी तरह से कटे नहीं रहते हैं और धान की खरीदी की अंतिम तारीख आ जाती है, तो सारे चीजों किसानों को आंदोलन करने पे मजबूर किया और अंततः किसान आंदोलित हुए और केंद्र सरकार के साथ में राज्य सरकार को भी घेरे में। यहाँ पर राज्य सरकार का वो जो सीधे तौर पर जो एक स्थिति ऐसी बनाई जा रही थी कि केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ जो है किसानों में इस तरह की व्यवस्था पैदा की जाए कि केंद्रीय कृषि कानूनों का विरोध हो लेकिन राज्य सरकार का समर्थन करे किसान, ऐसे में किसान ने तो जता दिया कि केंद्रीय कृषि कानूनों का भी विरोध है और विरोध आपका भी है, यानी कि राज्य सरकार का भी है। जी बिल्कुल सही कहा। अब आज की अगर बात करा जाए तो किसान और दीगर जो दूसरे लोग भी है वो सब अपनी समस्या को लेके समझते हैं और केंद्र सरकार दोषी है। केंद्र सरकार अगर किसानों के हक की बात नहीं कर रही है या राज्य सरकार हक की बात नहीं कर रही है तो उनके खिलाफ भी प्रदर्शन और विरोध जारी रहेगा। यही किसान कल जो चक्का जाम हुआ उसमें ये बात निकल के सामने आई है कि भूपेश बघेल सरकार और खासतौर पे भूपेश बघेल ने मैनिफेस्टो जो तैयार किया था उसमें किसानों को लेकर काफी लुभावने वादे किए गए थे, बोनस से लेके आखिरी दाना खरीदेंगे, और जब वो चीजें हो नहीं रही है तो निश्चित तौर पे किसान सामने आएंगे। छत्तीसगढ़ के किसान को जो पहले व्यवस्था मिल रही थी उस व्यवस्था के अनुरूप अगर इस केंद्रीय कृषि कानूनों को देखा जाए तो ये बीजेपी के द्वारा कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ का किसान बेड़ियों से मुक्त हुआ है, जंजीरों से आज़ाद हुआ है, वो कहीं पर भी जाकर अपनी फसल बेच सकता है। पहले तो उस पर कुठाराघात हो रहा था लेकिन अब उसके लिए ये कानून बहुत अच्छा है। इस कानून को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करिए कि कितना बेहतर है बीजेपी के माध्यम से और कितना बेहतर है किसानों के माध्यम से। जी जैसा कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि किसानों के हक में कहीं पे भी बेचा जा सकता है, तो पहले मंडी में बेचा जाता था, अब कहीं पे भी कोई भी खरीद सकता है। तो आप किसानों को पहले एक जगह धक्का खाना पड़ता था, अब दूसरे जगह जो धान खरीदी जो व्यापारी करेंगे कंपनियां करेंगी उनके द्वारा अपनी मनमानी जारी रखी जाएगी। पहले तो सिर्फ मंडियों में जो मिनिमम MSP है उस पे खरीदने के लिए बाध्य थी मंडी, लेकिन अब ऐसा कहीं से नहीं लगता है कि जो MSP है उस पे धान खरीदी के लिए जो कहीं पर भी बेचा जाएगा और खरीदा जाएगा, तो इसके लिए किसान जाके वहां पे बेच सकते हैं। ऐसा किसानों का भला फिलहाल ये जो केंद्र का कानून है उसमें इसलिए नहीं हो सकता है कि किसान आज बेचने जा रहा है तो सामने जिसको बेच रहा है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीद रहा है। जरूरी नहीं कि उसके लिए कोई कठोर कानून नहीं बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार ने जो विशेष सत्र बुलाया गया था इसके बाद वो कठोर कानून बनाए हैं कि जब मिनिमम सपोर्ट प्राइस से नहीं खरीदेगा तो उसके लिए जुर्माना या कारावास का प्रावधान किया है। अभी चूंकि ये अमल में आया नहीं है कानून, इसके बारे में अभी प्रासंगिकता नहीं होगी कि इसके बारे में बात किया जाए कि कितना अच्छा कानून राज्य सरकार ने बनाया है, लेकिन हकीकत यही है कि अगर सरकारें अगर किसानों के बारे में और किसानों के भले के बारे में अगर वाकई में सोचती और कुछ करना चाहती हैं तो
इतनी डगर मुश्किल भी नहीं थी कि राज्य सरकार भी किसानों को लेकर कुछ नहीं कर सकती है या केंद्र सरकार भी नहीं कर सकती है, लेकिन मामला सियासत का जब हो जाता है तो सिर्फ सियासत हो जाती, उसमें ये मायने नहीं रखता है कि किसका भला हो रहा है किसका बुरा हो रहा है। लेकिन एक बात तो तय है जरीन, किसान जागरूक हो चुका है, किसान समझ चुका है कि कौन उसके हित की बात कर रहा है और कौन उसे गोल गोल घुमा रहा है। अब ये लॉलीपॉप देना राजनीतिक पार्टियों को बंद करना होगा। बहुत दिन ये लॉलीपॉप दे लिया किसानों को, प्रलोभन वादे ये सब, किसान समझ चुका है। इसीलिए ये आंदोलन एक अलग तरह का आंदोलन है छत्तीसगढ़ में, जहां कृषि कानूनों के साथ साथ राज्य सरकार को उसके वादे याद दिलाए जा रहे हैं। अब राज्य सरकार व्यवस्था कर रही है कि कैसे भी इन्हें रोका जाए, पुलिस फोर्स लगाई जा रही है, ये कहा जा रहा है किसानों को रोका जाए, हाईवे जाम कर रहे हैं। अब उनके लिए कानून बनाया जा रहा है कि अगर ये लोग किसान ऐसे ही हाईवे जाम करेंगे तो इनको सलाखों के पीछे डालेंगे। तो यहाँ पर राज्य सरकार भी चौथरपा घिरती नजर आ रही है कि वो एक तरफ ये कृषि कानूनों का विरोध कराए किसानों से, या फिर अपने गिरेबान में झांक के देखे। ये भी एक दोहरा संकट भूपेश सरकार के सामने खड़ा हो गया। बहुत शुक्रिया जरीन आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, बहुत धन्यवाद। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया, जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर। कल से आतंकियों के साथ मुठभेड़ चल रही थी, एक आतंकी को मार गिराया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर के पंपोर में आतंकियों के साथ मुठभेड़, एक आतंकी को मारा गया, सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको यह बता दें कि कल से ही आतंकियों के साथ मुठभेड़ चल रही थी, आतंकियों के छिपे होने की आशंका के बाद सेना ने मोर्चा संभाला और ये सर्च ऑपरेशन किया गया। सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया, जम्मू कश्मीर के पंपोर में आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई है, एक आतंकी को मार गिराया गया है, ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। आतंकियों के लगातार इलाके में छुपे होने की आशंका थी और उसके बाद सर्च ऑपरेशन किया गया। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है, अभी भी आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। आपको बता दें, त्यौहार नजदीक है और ऐसे में आतंकी अपने नापाक मंसूबों में कामयाब न हो जाएं, इसकी वजह से जवानों ने मोर्चा संभाला हुआ है। जवान लगातार मोर्चा संभालते हुए सीधे तौर पर यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि किसी भी स्थिति परिस्थिति से निपटने के लिए सेना तैयार है। रविंद्र हमारे सहयोगी तमाम अपडेट के साथ मौजूद हैं। रविंद्र, जम्मू कश्मीर में आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई है, एक आतंकी को मारा गया है, क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी देखिए, ये सुनील, कल से एनकाउंटर जो है वो चल रहा है, कल शाम से ही जी। और उसके पहले आतंकियों की खबर मिली थी कि इस इलाके में, पामपुर के इलाके में, 2 से 3 आतंकी जो है वो छुपे हुए हैं। जब कॉर्डन किया गया तो आतंकियों की तरफ से फायरिंग की गई, जिसकी जवाबी कार्रवाई में अभी तक एक आतंकी जो है वो मारा जा चुका और एक स्थानीय जो है वो घायल हुआ है। इलाके को कॉर्डन किया हुआ है ताकि आतंकी वहां से भाग ना पाए। कहीं ना कहीं ये चीज दर्शाती है कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने कहा था कि जम्मू कश्मीर से आतंकवाद का सफाया किया जाएगा, उसी को लेकर ऑपरेशन क्लीन चलाया हुआ है सेना की तरफ से और लगातार आतंकियों का सफाया किया जा रहा है। कुछ आतंकी जो है उन्होंने सरेंडर भी किया है, लेकिन अगर कोई आतंकी सरेंडर नहीं करता है तो उसको उसके अंजाम तक पहुंचा दिया जाता है। इस एनकाउंटर में भी अभी तक एक आतंकी जो है वो मारा जा चुका है और एनकाउंटर अभी भी जारी है। और भी आतंकियों के छिपे होने की आशंका रविंद्र? हाँ, 2 से 3 आतंकियों की खबर मिली थी इस इलाके में, तो जहां एनकाउंटर चल रहा है वहां और भी आतंकी हो सकते हैं, क्योंकि रुक रुक कर फायरिंग जो है वो जारी है और इलाके को पूरे को उस इलाके को कॉर्डन किया हुआ है ताकि आतंकी वहां से फरार ना हो जाए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रविंद्र आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो जम्मू कश्मीर के पंपोर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी, एक आतंकी को मार गिराया गया, कल से ही आतंकियों के साथ मुठभेड़ चल रही थी और आखिरकार बड़ी सफलता हाथ लगी है, सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका राजधानी लाइव में। बात हो गई उत्तराखंड की। हरिद्वार में कुंभ मेला शुरू होने में अब कुछ ही समय शेष बचा है और कुंभ मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए कुंभ मेला पुलिस द्वारा तमाम तैयारियां जो है मेले में की जा रही हैं। और आपको ये बता दें कि कुंभ मेले में पुलिस फोर्स का आना भी शुरू हो गया है। कोरोना महामारी की वजह से इस बार कुंभ मेले में श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात रहेगा। साथ ही कुंभ आईजी ने तमाम पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की है और ये भी बता दें कि आईजी संजय गुंज्याल ने सभी अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। हमारे पास कुंभ मेला पुलिस में मैन पावर का आना स्टार्ट हो गया है। प्रथम चरण में जो पहले स्केल्टन फोर्स था, उसके अलावा प्रथम चरण में अभी हमें 5 गेस्टेड ऑफिसर्स और सब इंस्पेक्टर्स कुछ मिले हैं, जिन्हें कि हम लोग यहाँ पर जो भविष्य में थाने और चौकी बनते हैं उनमें कार्य विभाजन करके इनका डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं और इनको इनिशियल टास्किंग कर दी गई है, जो शुरू में हमारे जो ऑफिसेज और थाने बनते हैं उनको इस्टेब्लिश करने में और उनका कितना मैन पावर और एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट होगी उसको ये लोग एसेस करेंगे और उसके जो मानक है वो उन्हें समझाए गए हैं। देखिए, पूर्व में जो 2010 में 32 सेक्टर और 32 थाने बने थे और हम लोगों ने इनिशियल स्टेज में करीब 41 सेक्टर्स और 41 थानों का प्रपोजल मेलाधिकारी जी और हम लोग के द्वारा बनाया गया था, लेकिन इस बीच जो कोविड की परिस्थितियाँ आई है उसके लिहाज से जो हमारा मेन गंगा जी के पार वाले एरिया में जो सेटलमेंट होता था, जिसमें कि जितने भी हमारे अखाड़ा परिषद की भी सहमति से जो उन्हें अखाड़ा नदी पार जाना था, तो क्योंकि वो भी अब चेंज हो गए हैं और कोविड की नई परिस्थितियों के लिहाज से अभी 23 सेक्टर्स और उसमें एक रेलवे का सेक्टर जुड़ेगा तो 24 सेक्टर्स और उसी लिहाज से थाने भी बनाने जाने का अभी प्रस्ताव है। ये एक टेम्प्रेरी है, जैसे जैसे परिस्थितियां चेंज होंगी इसकी संख्या में बढ़ोतरी या कमी भी आ सकती है। दस में जो मानक था उसी मानक को रखते हुए हम लोग के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। पहले तो हमने मानक से लगभग 50% एक्स्ट्रा मांगा था। और सीधा रुख करेंगे विकास खरे का, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। विकास, तमाम तैयारियां मुकम्मल करने के लिए पुलिस ने भी कमर कस ली है, सुरक्षा के लिहाज से तमाम थाने भी बनाए जाएंगे जैसे जैसे हालात होंगे और उनमें कमी भी आ सकती है और बढ़ोतरी भी हो सकती है, फिलहाल धरातल पर स्थिति क्या है? बिल्कुल सुनील, आपको बता दें महाकुंभ मेला 2021 में कुछ ही समय शेष बचा है, इसको देखते हुए हरिद्वार प्रशासन और कुंभ मेला प्रशासन द्वारा तमाम तैयारियां की जो बैठक है वो लगातार जारी है। इसको देखते हुए जो कुंभ मेला फोर्स है वो भी आना शुरू हो चुकी है और बात की जाए तो संजय गुंजाल आईजी कुंभ मेला द्वारा इसमें जो है बैठक की गई और तमाम जो अधिकारी है संबंधित जो अधिकारी उनको निर्देश दिया गया है कि आखिर किस तरह से जो कुंभ मेला का स्वरूप है क्या होगा और किस तरह से दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं और किस तरह से जो कुंभ मेला फोर्स है वो आना और भी बाकी है, जिसमें अभी तैनाती भी की जाएगी। और बात की जाए सुनील, अभी जो 2010 में जो कुंभ मेला हुआ था उसी के ही मानक के अनुसार 2021 का जो कुंभ होने वाला है और कुछ ही समय इसमें शेष बचेगा उसके मानक के अनुसार ही अब जो रूपरेखा है वो तैयार की जा रही है। 2010 में 32 थाने और 32 सेक्टर बनाए गए थे, लेकिन इस 2021 का जो कुंभ है इसको लेकर आईजी कुंभ मेला और मेला अधिकारी द्वारा 41 सेक्टर और 41 थानों का प्रपोजल बनाकर तैयार किया गया था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इसमें जो है चेंज किया गया है, जिसमें कि 23 सेक्टर और 23 थाने और एक रेलवे से जुड़ा सेक्टर जोड़कर 24 हो चुके हैं। लेकिन बात की जाए तो अब जिस तरह से मेले का स्वरूप जो होगा उसी के अनुसार इसमें जो है बढ़ोतरी भी होगी और इसमें जो है जो थानों की जो संख्या वो भी घटाई जा सकती है। सुनील, सबसे बड़ी चुनौती क्या है पुलिस के सामने विकास? क्योंकि देखिए वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और है। अब तो कोरोना महामारी का एक बड़ा संकट है पुलिस के सामने, इसके अलावा और कौन कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं? बिल्कुल सुनील, आपको बता दें कोरोना महामारी के बीच जिस तरह से जो है श्रद्धालु स्नान करने हरिद्वार पहुंचे गए, इसी को देखते हुए पुलिस फोर्स बल भी हरिद्वार में तैनात किया जाएगा और बात की जाए तो जैसे जैसे जो स्थिति बढ़ेगी इसी को देखते हुए श्रद्धालुओं की जो भीड़ बढ़ेगी इसी को ही देखते हुए मेला प्रशासन द्वारा फोर्स तैनात की जाएगी ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का किसी भी तरह से कोई भी धज्जा ना उड़े और जो कुंभ का जो मेला का जो भी आभा है वो पूर्ण रूप से जो है सफलतापूर्वक सही चल सके। इसी को देखते जो पहला स्नान है 14 जनवरी को शुरू होगा और ये जो है 27 अप्रैल तक
जो है खत्म होगा, जो लास्ट दान चैत्री पूर्णिमा का होगा, इसी को देखते हैं जो मेला प्रशासन है पूरी तमाम जो तैयारी है वो की जा रही है। और बात की जाए तो अभी जो है 1000 कोविड जो केयर सेंटर है वो भी मेला प्रशासन के द्वारा उसका प्रस्ताव भेजा गया है, जो कि इसी माह में ही शुरू होने की पूरी तैयारी की जा रही है। और 150 बेड जो स्थायी बेड का जो सेंटर है वो भी जो है मेला प्रशासन के द्वारा तैयार किया जा रहा है, जो कि जो है मेला अस्पताल में इसकी पूरी तरह से तैयारी की जाएगी। सुनील विकास, देखिए सबसे महत्वपूर्ण तो ये कि एक तो व्यवस्थाओं को व्यवस्थित रखना पुलिस की बड़ी जिम्मेदारी, और दूसरा फिर अपनी व्यवस्थाओं को भी व्यवस्थित रखना है, क्योंकि कोरोना महामारी की चपेट में किसी भी तरह से कोई भी पुलिसकर्मी या कोई भी जवान ना आ जाए, इसके लिए भी तमाम एहतियात बरतने की बात लगातार हो रही होगी। किस तरह से तैयारी है पुलिस की और अपने बचाव के लिए पुलिस क्या कुछ करेगी, ये कोरोना वॉरियर्स जो हैं वो किस तरह से अहम भूमिका अदा करेंगे? बिल्कुल सुनील, कोरोना महामारी को देखते हुए जो है 1000 बेड का जगदीशपुर सलेश फार्म में जो है कोविड केयर सेंटर तैयार किया जाएगा, जिसका प्रपोजल इसी माह में जो है भेजा जाएगा और इसी माह तक ही शुरू होने का जो है पूरी उम्मीद जताई है मेला प्रशासन द्वारा। और बात की जाए तो और भी जो 150 स्थायी बेड जो बनाए जाएंगे, जो कि जो है मेला अस्पताल में अस्थायी बेड वहां पर रखे जाएंगे, इसी को देखते हुए मेला प्रशासन द्वारा तमाम जो तैयारी है वो की जा रही है। और प्रशासन उसको जो है तमाम जो प्रस्ताव है जो प्रपोजल है कुमका वो भेजा गया है, और इसी तक जो है पूरी जो तैयारी शुरू होने की आशंका जताई जा रही है। सुनील बिल्कुल, और बाकी देखिए सबसे महत्वपूर्ण कुंभ के अंदर अगर देखा जाए तो श्रद्धालुओं के स्नान का सबसे महत्वपूर्ण महत्व भी होता है, क्योंकि कुंभ के स्नान के लिए जैसे जैसे विधि और तिथि आगे बढ़ती हैं उसी के हिसाब से स्नान करने के लिए श्रद्धालु पहुंचते हैं। वहां पर किस तरह की व्यवस्था देखने को मिलेगी और क्या वाकई में इस बार गंगा की अविरल धारा में श्रद्धालु डुबकी लगा पाएंगे? बिल्कुल सुनील, बात की जाए तो कुंभ मेला पुलिस के द्वारा जो है जो फोर्स यहाँ पर तैनात की जाएगी वो जो है कोरोना महामारी ताकि और ना फैले इसको देखते जब स्नान होगा एक आई कार्ड जो है श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर रखा गया है, जिस श्रद्धालु के पास आई कार्ड होगा उसी को ही गंगा में स्नान करने के लिए अनुमति दी जाएगी, अन्यथा अनुमति नहीं दी जाएगी। ये तमाम तैयारियां मेला प्रशासन के द्वारा की गई है ताकि कोरोना महामारी के चलते सोशल डिस्टेंसिंग भी बनी रहे और किसी तरह से किसी भी श्रद्धालु कोई दिक्कत ना हो, इसी को देखते हुए एक कार्ड जो है वहां पर तैयार किया जाएगा और जो भी श्रद्धालु होगा उनको कार्ड पास दिया जाएगा, जो भी स्नान होंगे उसी के तहत सभी को जो सोशल डिस्टेंसिंग में ध्यान में रखते हुए स्नान की अनुमति दी जाएगी। सुनील, जो संजय गुंजियाल हैं जो आईजी हैं मेला अधिकारी हैं उनकी बड़ी जिम्मेदारी है, ऐसे में उत्तर प्रदेश भी चूंकि लगा हुआ है उत्तराखंड से और हरिद्वार में ये कुंभ का आयोजन होना है, क्या उत्तर प्रदेश पुलिस से भी समन्वय बैठाने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल सुनील, आपको बता दें चाहे तमाम हरिद्वार का प्रशासन हो या कुंभ मेला प्रशासन हो वो लगातार उत्तर प्रदेश या अन्य प्रदेश की जो पुलिस है उनसे भी संपर्क किया जा रहा है, उनके साथ भी लगातार बैठक की जाएगी ताकि जो भी श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचेंगे और जो भी स्नान करने यहाँ पर आएंगे ताकि उनका समय से पहले जो है हरिद्वार जो रूपरेखा है वो तैयार कर पाए, तो ऐसे में जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है अन्य प्रदेश की पुलिस है उनसे भी हरिद्वार प्रशासन और मेला प्रशासन के द्वारा संपर्क किया जा रहा है और शासन के भी इसमें जो है पूरी तरह से जो है संपर्क किया जा रहा है ताकि आने वाले समय में जो 2021 का कुंभ मेला होगा उसमें किसी तरह की कोई भी दिक्कत ना आए और किसी भी प्रकार से जो श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचेंगे उनको भी किसी तरह से कोई मशक्कत ना उठानी पड़े। सुनील बिल्कुल, हालांकि देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा विकास कि आखिर किस तरह का स्वरूप होगा इस बार महाकुंभ का, क्योंकि महाकुंभ 2021 आयोजित होने वाला है और इस महाकुंभ के लिए बड़ी चुनौतियां हैं क्योंकि कोरोना काल भी चल रहा है। बहुत शुक्रिया विकास आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और अगली खबर का रुख करेंगे, बात मध्य प्रदेश की होगी। चुनावी दौर में शराब की अहम भूमिका होती है, जब विभागीय जिम्मेदार खुद ठेकेदार बन जाएं तो फिर क्या ही कहना। मध्य प्रदेश में भोपाल की रहने वाली युवती ने मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को एक पत्र लिखा है। लंदन में रहने वाली भोपाल की दिव्या असुदानी ने अपने पिता शराब ठेकेदार किशन असुदानी उर्फ खग्गू की जान को आबकारी अधिकारी विवेक त्रिपाठी से बचाने के लिए सीएम और गृह मंत्री को ट्वीट के माध्यम से पत्र लिखकर गुहार लगाई है। दिव्या ने पत्र में बताया है कि कुछ दिन पहले अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ उसके पिता ने गवाही दी थी, जिसके बाद आबकारी निरीक्षक विवेक त्रिपाठी गवाही से पीछे हटने और मामले में समझौता करने की बात न मानने पर लगातार युवती के पिता को झूठे केस में फंसा देने की धमकी दे रहा है। अब आबकारी अधिकारी अगर इस तरह की हरकत करेगा, इस तरह की करतूत करेगा, तो उम्मीद करिए, आप अनुमान लगाइए कि कैसे व्यवस्थाएं दुरुस्त हो पाएंगी, क्योंकि एक शराब कारोबारी अवैध शराब का भंडाफोड़ करता है और उस मामले में वो गवाह बनता है। अब उसी शराब कारोबारी के पीछे आबकारी विभाग पड़ गया है।
आबकारी विभाग उस मामले में सेटलमेंट करने के लिए और इतना ही नहीं उस मामले में अपने कदम पीछे खींचने के लिए लगातार दबाव डाल रहा है। ऐसे में जो आबकारी विभाग का अधिकारी है उसकी करतूत से परेशान होकर ये शराब कारोबारी की बेटी ने, लंदन में वो रहती है, और उसने वहाँ से ट्वीट करके मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को इस बाबत कहा है कि उसके पिता की जान की सुरक्षा की जाए। लंदन से बैठी बेटी ने पिता की जान की सुरक्षा मांगी है क्योंकि अधिकारी लगातार ये कह रहा है कि झूठे केस में फंसा दिया जाएगा या फिर उसे निपटा दिया जाएगा, इस तरह की स्थिति। हालांकि आपको ये बता दें कि ये विवेक त्रिपाठी नाम का ये अधिकारी आबकारी विभाग का, ये इन आरोपों को सिरे से खारिज जरूर कर रहा है, लेकिन शराब कारोबारी डरा हुआ है, उसका परिवार डरा हुआ है, और यही वजह है कि ये हिंदुस्तान से निकलकर विदेशी सरजमी पर भी इसकी दस्तक सुनाई दी है। लंदन में बैठी बेटी ने पिता की जान को खतरा बताया है। उसने आबकारी अधिकारी विवेक त्रिपाठी पर आरोप लगाया है कि वो लगातार उसके पिता को धमकी दे रहा है, झूठे केस में फंसाने के साथ ही उसकी जान को खतरा है। अब ऐसे में मुख्यमंत्री को ट्वीट के माध्यम से और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को ट्वीट के माध्यम से ये जानकारी दी गई है कि उसके पिता की रक्षा की जाए। शैलेंद्र हमारे सहयोगी तमाम अपडेट के साथ मौजूद हैं। शैलेंद्र, ये जिम्मेदार तो लगातार ऐसे मामलों में इनको और अच्छी भूमिका अदा करनी चाहिए, विवेक त्रिपाठी नाम का ये आबकारी अधिकारी किस तरह की मानसिकता का है और किसका हाथ है इसके असर पे कि शराब कारोबारी को अब झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रहा है? ये बताना चाहूंगा, जिस तरह से आपका निरीक्षक विवेक त्रिपाठी धार से भोपाल में पदस्थ होते हैं और इनको यहाँ पर बिना सैलरी और बिना उसके आखिर क्या वजह रहती है जो भोपाल में पदस्थ होकर काम करते हैं और कई जो अवैध शराब के कारोबारी है उनके ऊपर कार्रवाई के नाम पर जिस तरह से ये शिकायत सामने आई है और दिव्या आस्तानी ने अपने पिता की जान की गुहार लगाई, तो ये निश्चित ही जांच का विषय है। लेकिन सुनील जी, एक और बड़ा सवाल यह उठता है, क्या प्रदेश में चुनाव के समय पे आबकारी की अहम भूमिका होती है और आबकारी के ऐसे कई ऐसे विवेक सामने आते हैं जो लोग आबकारी के ऊपर राजस्व का बड़ा एक जिम्मा होता है प्रदेश सरकार का और कानून व्यवस्था बनाने की भी जिम्मेदारी होती है, लेकिन अगर कानून का दुरुपयोग अगर अधिकारी करते नजर आते हैं तो निश्चित ही बड़ा सवाल होता है कि जान की गुहार लगाने के लिए। सीधे सीधे शैलेंद्र, जो खबर समझ में आई वो सीधे सीधे अवैध शराब माफियाओं का साथ देता नजर आ रहा है, ये अवैध शराब कारोबारियों को अवैध शराब माफियाओं का गुर्गा नजर आ रहा है विवेक त्रिपाठी। सुनील जी बिल्कुल, जिस तरीके से बिना सैलरी और तनख्वाह के आपका निरीक्षक विवेक त्रिपाठी काम कर रहे हैं और दूसरी ओर लोगों को 34-2 की बड़ी कार्रवाई होती है आबकारी एक्ट की जिसमें गैर जमानती है अपराध होता है, इसको फंसाने की जो बात सामने आ रही है, तो इसमें कई बड़ा सवाल यह भी खड़ा होता है कि आखिर जो लोग हैं जो पूर्व में जिनके ऊपर मामले दर्ज हैं ऐसे लोगों से अवैध वसूली और उनके ऊपर ऐसी कार्रवाई निश्चित ही उनके लिए जानलेवा ही होती है क्योंकि इसमें गैर जमानती के साथ साथ उनके परिजनों को भी काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। कई ऐसे लोग हैं जो पूर्व में उनके ऊपर अपराध होते हैं और वर्तमान में वह कई ऐसे अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ गवाह बनते हैं, तो उनके लिए चैलेंज रही है। आबकारी अधिकारी का आपने एक पेज बताया कि इसको सैलरी भी नहीं मिल रही है, फिर किसने जिम्मेदारी दे दी है इसको? देखिए, आबकारी अमले के पास कम ही उनके पास अमला होता है और धार निरीक्षक आबकारी निरीक्षक जिस तरह विवेक त्रिपाठी यहाँ भोपाल में पदस्थ हुए तो उसको अगर देखा जाए सुनील जी तो यहाँ पर अल्प समय के लिए इनको पदस्थ किया गया था और जुलाई में इनका स्थानांतरण भी कर दिया गया था, लेकिन बावजूद उसके ये पदस्थ उन्होंने कलेक्टर से यहाँ गुहार लगाई कि हमें अभी कई मामले की हम जांच कर रहे हैं इसलिए मुझे अतिरिक्त समय दिया जाए, तो इन तमाम पहलुओं पर हम गौर किया जाए तो इसमें कहीं ना कहीं शासकीय नियमों का यहाँ पर फायदा उठाते नजर भी आ रहे हैं विवेक त्रिपाठी। और ऐसे में शराब कारोबारियों का सीधा तौर पर उनके साथ प्रताड़ित करना और प्रताड़ना करना ये इसने अपना पेशा बना लिया है और अवैध शराब कारोबारियों का साथ दे रहा है विवेक त्रिपाठी ये अधिकारी, इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? मुख्यमंत्री को और गृह मंत्री को ट्वीट किया गया है एक बिटिया के द्वारा और सीधे तौर पर ये तो राजस्व को हानि पहुंचाने का भी काम कर रहा है। निश्चित सुनील जी, बहुत लंबा राजस्व आबकारी विभाग प्रदेश सरकार को देता है और यहाँ पर अगर हम जो पीड़ित हैं जिन्होंने यहाँ गुहार लगाई मुख्यमंत्री सीएम से और जांच की बात की है तो उनका एक और आरोप
सामने आता है कि विवेक त्रिपाठी के ऊपर थाने में मामला भी दर्ज है कि कार्रवाई के नाम पर उनके ऊपर लूट और पैसे और सोने की या लूट का मामला सामने भी ये लोग बता रहे हैं। तो ये कई ऐसा जांच का विषय है कि आखिर इनके ऊपर किसका ऐसा हाथ है रसूख है कि कार्रवाई से या कहीं ना कहीं पीछे हटते नजर आ रहे हैं। और ये अब जांच अगर उच्च स्तरीय होगी तो निश्चित ही कार्रवाई और दूध का दूध पानी का पानी साफ होगा। कार्रवाई होगी वो एक दूर की कौड़ी लग रहा है, क्योंकि इस कदर हौसले अगर विवेक त्रिपाठी के बुलंद है तो शायद मिठाई दूर तक जा रही है, अकाउ तक पहुंच रही है। सफेद पोशों से लेकर तमाम जो सिस्टम में बैठे हुए खाकी के नुमाइंदे हैं उन तक इसकी धमक होगी। निश्चित सुनील जी, यहाँ पर आबकारी विभाग की जिम्मेदारी काफी अहम होती है और दूसरी ओर हम देखें जो स्वच्छ काम करने वाले जो लोग होते हैं उनके ऊपर यहाँ तो सरकार को राजस्व का फायदा होने के लिए चलते लाइसेंसधारी ठेकेदारों के ऊपर उनको उनको फायदे पहुंचाने के लिए अवैध कारोबारियों पर जिस तरह काम करता है आबकारी विभाग और दूसरी ओर ऐसे कई विवेक त्रिपाठी भी सामने ऐसे प्रदेश में होते हैं जो चुनाव में काफी अहम भूमिका निभाता है। आप शैलेंद्र देखिए, सरकार का खजाना खाली है और राजस्व को भरने के लिए सरकार नाना प्रकार के जतन भी कर रही है और सबसे ज्यादा टैक्स जो है मध्य प्रदेश में जनता देती है, सबसे ज़्यादा टैक्स वसूला जाता है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की जनता को टैक्स से कोई राहत नहीं मिलती है, लेकिन खजाना भर नहीं रहा है, क्योंकि ऐसे विवेक त्रिपाठी जब बैठ जाते हैं तो खजाना भरेगा कहाँ से। ये तो सीधे तौर पर राजस्व को अपने घर में वहाँ पर खान खोद कर ये लोग दबाने का काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल सुनील जी, जाँच के बाद जरूर चीजें सामने आएंगी और जिस तरह सीएम और गृह मंत्री के लिए पत्र लिखा है तो उसमें कई जाँच के विषय होंगे कि आखिर क्या वजह रही कि मुख्य पिता जिस तरह मुख्य गवाह है अवैध शराब कारोबारियों के उसमें, तो आखिर जान की बात और 34-2 की कार्रवाई की यहाँ बात करें तो यहाँ पर क्या ऐसी कुछ धमकियों के मामले सामने आए। तो ये अगर दूसरी ओर विवेक त्रिपाठी से जब हमने बात की तो यहाँ पर एक और बात सामने आती है कि क्या सबूत है उनके पास जो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ऐसी क्या वजह होती है कि परिजन सीसी जान की गुहार अपने पिता शराब कारोबारी के खिलाफ इसने जो मामला दर्ज करा दिया है क्या, या शराब कारोबारी के खिलाफ आखिर किस तरह से क्यों इस तरीके के मामले में ये कार्रवाई कर रहा है, क्योंकि वो मुख्य गवाह है अवैध शराब कारोबारियों का, वो भंडाफोड़ कर रहा है, खुलासा कर रहा है, फिर उसी को ये लोग लपेटने में लगे हैं। देखिए सुनील जी, जब भी किसी बड़े अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ जब कार्रवाई होती है तो उसमें मोटी रकम विभाग के लिए साठगांठ के तौर पर निश्चित ही जो आरोपी होते हैं उनको मिलती है और जब इसमें कोई अहम भूमिका शिकायती की अगर निभाता है तो उसका जान माल का हमला भी होता है। अब चूंकि यहाँ पर हालांकि अवैध कारोबार से सीधे तौर पर त्रिपाठी के कनेक्शन जुड़े हुए हैं, ये साबित हो जाता है जब त्रिपाठी इस तरह की करतूतें करता है, मुकदमा दर्ज कराता है। वो लोग जो लगातार ऐसे मामलों को उजागर करते हैं अब उन्हीं को कटघरे में खड़ा करता है, उन्हें धमकी देता है, झूठे मामले में फंसाने के साथ साथ जान को खतरा भी अब बेटी को सता रहा है, परिवार को सता रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये कि सरकार को दूसरे पहलू से इसको मामले को देखना चाहिए। राजस्व का जो नुकसान हो रहा है लगातार, जो प्रदेश का खजाना खाली है, अगर ऐसे विवेक त्रिपाठी सिस्टम में बैठे रहेंगे तो खजाना कभी नहीं भरेगा। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। अगली खबर का रुख करेंगे, बात महाराष्ट्र की होगी। मुंबई के मलाड पूर्व कुराड़ थाना क्षेत्र में राणी सती मार्ग स्थित डीएनए प्राइवेट हॉस्पिटल के कोरोना वार्ड में कोरोना पॉजिटिव महिला के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में एक 31 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया गया। आरोपी को न्यायालय ने एक दिन की पुलिस कस्टडी में दिया है। पुलिस के मुताबिक बीती रात डीएनए हॉस्पिटल में कोरोना वार्ड में कार्यरत 31 वर्षीय सिक्योरिटी गार्ड ने कोरोना पॉजिटिव महिला के साथ अवैध संबंध बनाने की कोशिश की और इस दौरान वो रंगे हाथ पकड़ा गया। कोरोना वार्ड में सुरक्षाकर्मी की काली करतूत सामने आई है, जहां पर जिम्मेदारी थी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने की इस सिक्योरिटी गार्ड की, ये खुद ऐसी हरकत कर बैठा कि अब सलाखों के पीछे है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। एक कोरोना पॉजिटिव महिला के साथ छेड़छाड़ की, उसके साथ अवैध संबंध बनाने की कोशिश की, हालांकि रंगे हाथ इसे गिरफ्तार किया गया, पकड़ा गया। कोविड पॉजिटिव महिला के साथ सिक्योरिटी गार्ड ने ज्यादती करने की कोशिश की है, उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की। कोरोना वार्ड में सुरक्षाकर्मी तैनात था ये सिक्योरिटी गार्ड, और इस गार्ड ने इस तरह की कायराना हरकत की है, हालांकि अब पुलिस की गिरफ्त में है। रंगे हाथ इसे गिरफ्तार किया गया, एक महिला का बलात्कार करने के एवज में इसकी गिरफ्तारी हुई है। आपको ये बता दें कि
वो महिला भी कोरोना पॉजिटिव थी जिसका कोविड सेंटर में इलाज चल रहा था और वहीं पर ये सिक्योरिटी गार्ड तैनात था। कोरोना वार्ड में सुरक्षा कर्मी ने कायराना हरकत की है, इसकी काली करतूत सामने आई है। कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। एक कोविड पॉजिटिव महिला के साथ इस सिक्योरिटी गार्ड ने बलात्कार करने की कोशिश की, छेड़छाड़ करता है, उसके साथ रेप करने की कोशिश करता है। हालांकि इसे रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। गनीमत रही, समय रहते इस आरोपी को दबोच लिया गया। पुलिस ने आरोपी को हालांकि गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया है। न्यायालय ने एक दिन की पुलिस रिमांड पर इसे भेजा है। कोरोना वार्ड में सुरक्षा कर्मी की काली करतूत, जी हां, सिक्योरिटी गार्ड जो कि सुरक्षा के लिहाज से वहां तैनात था सुरक्षा करने के लिए, लेकिन खुद हैवान बन बैठा। हैवानियत का ये पूरा खेल कोविड सेंटर में खेला जा रहा था। हालांकि उस दरमियान इसको गिरफ्तार भी किया गया है, रंगे हाथ इसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है और न्यायालय ने एक दिन की पुलिस कस्टडी में इसे भेजा है। कोरोना वार्ड में सुरक्षा कर्मी की काली करतूत सामने आई है। सिक्योरिटी गार्ड ने एक कोविड पॉजिटिव महिला के साथ रेप करने की कोशिश की है, छेड़छाड़ करता हुआ बलात्कार करने की कोशिश में था यह आरोपी और उसी दरमियान इसको रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। सत्यप्रकाश सोनी हमारे सहयोगी सीधा मुंबई से जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, रक्षक ही अगर भक्षक बन जाएंगे तो आखिर उम्मीद किससे की जाएगी? ये तो सुरक्षा में तैनात था वहां पर तमाम लोगों की, लेकिन कोविड पॉजिटिव महिला के साथ बलात्कार करने की कोशिश की इस आरोपी ने। देखिए सुनील, जिस तरह से त्वरती जो शख्स पकड़ा गया है वो पढ़ा लिखा है, बीकॉम की पढ़ाई करता है। हालांकि लॉकडाउन में जिस तरह से कॉलेज बंद है उसके बाद उसको नौकरी की तलब लगी और उसी कोविड सेंटर में जो है नौकरी कर रहा था बतौर सिक्योरिटी गार्ड का। लेकिन जिस तरह से 35 वर्षीय महिला के साथ उसने जिन्होंने आरोप लगे हैं और कर रहा था वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले हैं, क्योंकि देर रात जब सब लोग सो रहे थे और जिस महिला के साथ वो छेड़खानी कर रहा था वो महिला खुद कोरोना पॉजिटिव थी, उसके बावजूद भी इस शख्स जो है रात के अंधेरे में जबरदस्ती महिला के साथ करने की कोशिश किया। हालांकि महिला ने इमरजेंसी बेल बजाई, उसके बाद आनंद फाने में तमाम जो नर्सेस थी वो लगातार जो है इस पूरे मामले में संज्ञान ले ली और फटाफट जो है मुंबई पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी दी गई, जहां मुंबई पुलिस ने रंगे हाथ उसको दबोचा। इस तरह के हालात आखिर क्यों सक्रिय हो जाते हैं? क्योंकि देखिए तमाम व्यवस्थाएं हैं, क्या कोविड सेंटरों में भी वो सारी व्यवस्थाएं नहीं हैं, वहां पर सीसीटीवी कैमरे नहीं हैं, और क्या कोविड सेंटर में बाकी लोगों की सुरक्षा के लिए किस तरह की व्यवस्था है? थोड़ा सा कोविड सेंटर के बारे में सत्यप्रकाश प्रकाश डालें, क्योंकि सीधे तौर पर बाकी लोगों को भी जागरूकता मिले और बाकी लोग भी अगर इस महामारी की चपेट में दुर्भाग्यवश आ भी जाते हैं और कोविड सेंटर पहुंचते हैं तो वो अपनी सुरक्षा किस तरह से करें अगर वहां पर अव्यवस्थाओं का आलम है तो, बताएं जरा। देखिए सुनील, मुंबई में जो कोविड सेंटर बनाया गया वहां सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले वहां जो है सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मुंबई पुलिस के अलावा जो है जो स्थानीय सिक्योरिटी गार्ड को जो है तैनात किया जाता है, जिससे कोई भी अपनी घटना ना हो। हालांकि आए दिन लोगों को 24 घंटे आना जाना रहता है, ऐसे में महिला वार्ड की अगर बात तो महिला वार्ड के बाहर खासकर जो है सिक्योरिटी गार्ड तैनात किया जाता है कि जिससे किसी तरह की कोई जो हलचल हो तो तुरंत जो है उस पर कंट्रोल किया जा सके। उसके बावजूद तमाम नर्सेज जो है 24 घंटे ड्यूटी रहती है, इस दौरान भी चीजें ध्यान में रखा जाती है। लेकिन जिस तरह से घटना हुई है वो कहीं निंदनीय है। दूसरी बात सुनील आपको बता दें कि जो शख्स है वह 3-4 महीने से ही नौकरी कर रहा था और लगातार जो है इस तरह की हरकतें करता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन लोगों को शक नहीं हुआ। इस बीच जब कल उसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया उसके बाद जो है सच्चाई सामने आई, जहां पुलिस ने जो है धारा 354 और 442 के तहत मामला दर्ज कर उसको गिरफ्तार कर लिया और आगे की जांच कर ली। इस व्यक्ति का भी कोविड टेस्ट कराया गया, क्योंकि इसने सीधे तौर पर कोरोना पॉजिटिव महिला के साथ जाति करने की कोशिश की है। सत्यप्रकाश, जाहिर तौर पर सुनील देखिए न सिर्फ उस व्यक्ति का बल्कि जिन जिन नर्सों ने इसके संपर्क में आए उनका भी जो है अब कोविड टेस्ट करवाया जाएगा और शख्स का भी आज कोविड टेस्ट करवाया। हालांकि जिस तरह से कोर्ट में पेशी की गई थी एक दिन को उसको पुलिस रिमांड जरूर मिली है, लेकिन पुलिस चाहती है कि रिमांड और लेकर इससे पूछताछ किया, क्योंकि एक घटना जो है काफी बड़ी और निंदनीय है, इसको लेकर जो है मुंबई पुलिस लगातार सतर्कता बरत रही थी। लेकिन इस तरह से अगर कोरोना वार्ड में इस तरह की घटना होती है तो जाहिर तौर पर
मुंबई पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती, लेकिन मुंबई पुलिस ने इस पूरे मामले में बड़ी संगीनता से लेते हुए डीसीपी और एडिशनल ने खुद इस पूरे मामले की संज्ञानता ली है। वहीं वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक कुरार के जो बाबा साहब तालुके उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कुछ दिन पहले ही हमने जो है मीटिंग ली थी, मीटिंग के दौरान एक कहा गया था कि सभी महिलाओं को ये सूचना दी गई थी कि अगर इस तरह कोई गतिविधि आया प्रक्रिया किसी की भी आती है तो उसे तुरंत पुलिस को संपर्क करें। मुंबई पुलिस तुरंत जो है ऐसे जो है रंगबाज लोगों को खिलाफ कार्रवाई करेगी। ऐसे में इस तरह से जो घटना आई है कहीं कहीं मुंबई पुलिस जो इस पूरे मामले में जरूर सक्रिय है, लेकिन ये भी बताया जाए जो सक्रियता दिखाई गई थी वो मुंबई कुरार पुलिस की जो दो दिन पहले मीटिंग ली गई थी उसके चलते की गई। सत्यप्रकाश, इसके अलावा भी कई सारी चीजें हैं जो गौर करने वाली हैं। डीएनए हॉस्पिटल जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल है, यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं और यहाँ पर कोविड सेंटर बनाया गया है। क्या प्राइवेट हॉस्पिटल की जिम्मेदारी नहीं है कि ऐसे लोगों को सीधे तौर पर चिन्हित किया जाए, और पहले से ही अगर शक था इस व्यक्ति पर, हालांकि अब तो उजागर भी हो गया, सामने भी आ गया, तो फिर ऐसे व्यक्तियों को क्यों जिम्मेदारी दी जाती है? और क्या उस वार्ड में वहाँ पर डॉक्टर, नर्सेस या फिर महिला सुरक्षाकर्मी नहीं थी क्या? तो सुनील, अगर प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करें तो मुंबई का प्राइवेट हॉस्पिटल जो है बड़ी रकम लेता है, हालांकि कोरोना के नाम पे तो काफी रुपए कमा रहा है हॉस्पिटल। ऐसे में अगर इसी तरह से किसी अनजान व्यक्ति या इससे गैर व्यवहार करने वाले शख्स को अगर सिक्योरिटी के गार्ड पे रखा जाता तो जाहिर तौर पर ये पूरी जिम्मेदारी कहीं के हॉस्पिटल की है। हालांकि मुंबई पुलिस जो है हॉस्पिटल प्रशासन को भी बुलाकर इसमें पूछताछ करेगी कि जब इसको रखा गया था तो इसका क्या क्या वेरिफिकेशन किया गया था और जानकारी दी गई थी कि नहीं इसके आचरण और चरणों के बारे में, इस तरह की जानकारी मुंबई पुलिस ले रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर महिलाएं इस तरह से सुरक्षित नहीं है तो बाकी लोगों का क्या कहा जा सकता है? बिल्कुल, जाहिर तौर पर, क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं, देखिए कोरोना के नाम पर तो मोटी रकम वसूलने का काम कर ही रहे हैं और प्राइवेट अस्पतालों की तो ज्यादा लंबे अरसे से है। सुविधाओं के नाम पर ये लोग मोटी रकम वसूलते हैं, गरीब कहीं से लाए, घर बेचे, खेत बेचे, गहने बेचे, लेकिन इन लोगों को पैसा दे तब तो ये इलाज करेंगे। लेकिन ये कैसा इलाज भाई, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? एक महिला की आबरू लुटते लुटते बची, बलात्कार की शिकार हो जाती वो। देखिए पुलिस भी इसी तरह से जानकारी दे रही थी कि अगर जो स्थानीय वहां की नर्सेस अगर जागरूक नहीं होती या फिर मुंबई पुलिस समय पर नहीं पहुंचती तो घटना में क्या कुछ हो जाता है ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से ये शख्स जो है उस महिला के साथ जोर जोर जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, ऐसे में महिला ने इमरजेंसी बेल बजाई, उसके बाद जो आनंद फानन में तमाम लोग पहुंचे उसकी मदद की। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस तरह से किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में इतनी बड़ी घटना हो जाना और फिर जो है इस पर पूरी मामले को संज्ञानता नहीं लेना वो कहीं ना कहीं एक चकवाने वाली बात है। लेकिन सवाल हर बार यही होता है कि जो है कोरोना वार्ड में अक्सर ये देखा जाता है सुनील कि परिवार के लोग नहीं रहते हैं क्योंकि उनको दूर रखा जाता है, ऐसे में जो जो प्रभावित होता है उसी को खाली रखा जाता है। तो चाहे तो पूरी जिम्मेदारी हॉस्पिटल प्रशासन की होती है लेकिन उसके बावजूद भी अगर इस तरह से घटना होती है तो परिवार के लोग, मुझे नहीं लगता कि लोग भरोसा करेंगे कि सुरक्षित है महिलाएं ऐसे हॉस्पिटलों। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश साहब का तमाम महत्वपूर्ण जानकारी लिए, बहुत धन्यवाद आपका। राजधानी लाइव में इतना ही, नमस्कार।